तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस असलम। और अभी हम घर पे हैं और यहाँ पर एक हनुमान आया है जो कि काफ़ी छोटा है और काफ़ी मस्ती कर रहा है। बच्चा भी है जो कि बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर है तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी हम घर पे हैं, देख सकते हैं बाहर आज आप देख सकते हैं वहाँ पर है और सब लोग काफ़ी देख रहे हैं। तो आपको नज़दीक से एक बार दिखाते हैं, और सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, और चलिए आपको एक बार बैक कैमरा से एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हनुमान जो कि घर के सामने आ चुका है और आलू दिए हैं तो आलू खा रहा है। सो आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ गया और दिखा रहे हैं कितना लोग है देखने के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो कि खा रहा है हनुमान सेजना साहब, और अभी हम भी खिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी नजदीक आ चुके हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहा। सो हे गाइस, अभी हम जो कि आपको दिखाएं बंदर आया है यानी कि हनुमान, तो आपको दिखाएं। लेकिन यहाँ पापा जब पाकुड़िया जा रहे थे तभी बाइक में तेल ख़त्म हो गया था, तो अभी आए थे पुल तरफ यहीं पर तेल ख़त्म हुआ था, तो अभी तेल लेके आए और दे दिए। आप देख सकते हैं हाफ लीटर लाए थे, इसमें अभी हाफ लीटर लाए थे और दे दिए। और पापा अभी जा रहे हैं दादी को लेकर पाकुड़िया। तो चलिए फिर चलते हैं घर तरफ, और देख सकते हैं पुल तरफ आए हैं, आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ देख सकते हैं बच्चा सब नहा रहा है नदी में। काफ़ी कम पानी है तो नदी में नहा रहा है, और आज जुमा है तो आप सभी को जुमा मुबारक। और आज हम भी जुमा पढ़ेंगे और नहाने के लिए आएंगे नदी। तो फाइनली दोस्तों, मैंने पापा को दे दिया तेल यानी कि हाफ लीटर तेल जो कि ख़त्म हो गया था। और देख सकते हैं अभी हम नदी पे हैं, तो चलिए चलते हैं घर, और घर से फिर नदी आएंगे नहाने क्योंकि आज है जुमा तो जुमा पढ़ना है। और अब देख सकते हैं अरमान का साइकिल लाए थे और इसी में आए अभी, और हाफ लीटर तेल लाए थे जो कि बोतल आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अभी हम आ गए उधर से, और एक बात फ़ोटो कर रहे थे यानी कि आपको दिखा रहे थे वीडियो क्लिक करके, तभी हम हेडफोन था, ये मेरा हेडफोन, तो उसका कान में हम लगा रहे थे तो मेरा हेडफोन पकड़ लिया और भागने लगा, तो मोबाइल फील के साथ भागने लगा, तो हम पकड़े तो मोबाइल मेरा गंदा हो गया था, थोड़ा स्क्रीन में दाग हुआ है। वो हनुमान एक तरफ से इंसानों के साथ रह रहा है यानी सभी लोगों के साथ खेल रहा है, तो अभी हम उसको पकड़े छुएं वो कुछ नहीं किया, और वो ज़्यादातर सबके कांधों पर चढ़ जाता है। और देख सकते हैं पीछे धान जो कि धान का पौधा है, और अभी इसमें नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है पौधा सब, तो जब धान इसमें हो जाएगा यानी कि फल दे देगा तो आपको दिखाएंगे। और इधर का व्यू काफ़ी नज़ारा है, आप देख सकते हैं। अभी हम साइकिल पे हैं तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, और आज जुमा है तो नहाने जाएंगे, उसके बाद जुमा पढ़ना है।
सो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं और अभी नहाने के लिए नदी जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं और इधर खेत है जो कि आपको आगे भी दिखाएं, और धान काफ़ी है देख सकते हैं, और इसमें हुआ नहीं है, एक दो खेत में धान हो गया है, तो चलिए आपको खेत दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें धान हो गया है, ये हल्का धान है, यानी कि ये जो पहले धान लगाए हैं ये सब इससे पहले हो गया है, यानी कि इसलिए इसको हम लोग हल्का धान कहते हैं। सो आप देख सकते हैं, तो आपको बैक कैमरा से एक बार दिखा देते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे से, यानी कि बैक कैमरा से आपको दिखा रहे हैं, ये धान हो गया है इसमें, और ये कम समय में धान होने वाला धान है। और कितना देर लगेगा इसमें होने में? 10-15 दिन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कटाई करने लगेगा। सो आप देख सकते हैं, और यहाँ है लेकिन इस खेत में नहीं हुआ है, ये दूसरा धान है और ये अलग धान है। सो इसमें हो गया है कंप्लीट, और काफ़ी धूप है, आप देख सकते हैं चारों तरफ धान ही धान है। आपको इधर पूरा अपडेट दिए थे, पूरा दिखाए थे, और हम लोग का खेत सामने है जिसमें हम लोग आलू का फसल लगाए थे। सो फिर से जब आएगा आलू का फसल का टाइम तो आपको जब दिखाएंगे। और बकरी देख सकते हैं धूप में, और सामने नदी, तो हम लोग अभी नदी जा रहे हैं क्योंकि आज जुमा है, तो नहाएंगे उसके बाद हम लोग जुमा पढ़ने जाएंगे। सो बने रहे हमारे साथ, आपको आगे का नज़ारा दिखाते रहेंगे। सो हे गाइस, मैं अभी आ गया हूँ नमाज़ पढ़ने, यानी कि जुमा का नमाज़ पढ़ने, और आप देख सकते हैं ये हम लोग का मस्जिद। तो अभी टाइम हो गया है 12:29, तो चलिए नमाज पढ़ते हैं जुमा का नमाज, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं हम लोग का गांव का मस्जिद। सो हे गाइस, अभी हम दुमका में हैं, और आज बस में आए तो काफ़ी दिक्कत हुआ, और आज का बस में काफ़ी दिक्कत हुआ क्योंकि आज पेट ख़राब हो गया था मेरा, तो बस में काफ़ी दिक्कत हुआ, और थोड़ी दूर नहीं उतरते तो उल्टी हो जाता मेरा। आप देख सकते हैं मेरा हालत ख़राब है, और आज ब्लॉग तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आराम कर रहे हैं, अभी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठे हैं, और एग्ज़ाम के लिए आए हैं, तो एग्ज़ाम हो चुकी है शुरू, तो एग्ज़ाम हो रही है अभी और हम यहाँ पर बैठे हैं। सो दोस्तों, आज आगे का ब्लॉग तो नहीं बनाएंगे, आपको आगे नहीं दिखाएंगे, आप जो छोटा सा ब्लॉग देखें कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो गाइस, आज की ब्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जाएंगे, वंदे मातरम।